नमस्कार भक्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती। आज हम एक ऐसी वस्तु की बात करेंगे जिस वस्तु से व्यक्ति दुनिया के राजा समान सुख पा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो पौधा है शमी का, जो साक्षात भगवान शिव को समर्पित है। इस पौधे में धन को खींचने की ताकत है। दोस्तों, गुरुजी द्वारा बताया गया एक प्रसंग आपके सामने रख रही हूँ। तमिलनाडु से आगे 300 किलोमीटर एक वृद्धाचलम नाम का एक गांव है। इस गांव में एक मंदिर है भगवान शंकर का, वृद्धग्रेश्वर भगवान। भगवान शंकर ने एक भक्त को वृद्ध के रूप में जो दर्शन दिया, इसलिए उस गांव का नाम ही वृद्धाचलम है। जी हाँ दोस्तों, जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तब इनको शुल्क के रूप में ये पत्ते दिए जा रहे थे। जब उस मंदिर के निर्माण में जितने भी लोगों ने काम किया उनको दक्षिणा के रूप में ये पत्ते दिए जाते थे। वहाँ के एक सिद्ध पुरुष थे विपक्षित मुनि। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम था विपक्षित मुनि, नाम के एक मुनि थे। उन्होंने दक्षिणा के रूप में ये पत्ते दान दिए थे। जब वो लोग पत्ते घर ले गए तो सब पत्ते सोने के बन गए। जी हाँ दोस्तों, वहाँ शिला लेख में आज भी लिखा हुआ है ये पत्तों में धन को खींचने की ताकत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गुरुदेव की वाणी में इस पत्तों को हमको कैसे लाना है और कहाँ रखना है। पत्ते चार पांच ले करके एक कपड़े में या प्लास्टिक कवर में डाल के अपने अलमारे में, गहने के अलमारे में, पैसे के अलमारे में रखो। ये शंकर जी का ऐसा एक दिव्य वनस्पति औषधि है, ये जहाँ रहता है वहाँ धन का अभाव ना हो, ऐसा पूरी तरह से उस जगह को समृद्धि से भरता है। जी हाँ भक्तों, अब हमको इन पत्तों को लेके पन्नी में रख के अलमारी में रखना है। भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में जय गुरुदेव जय माँ पद्मावती ज़रूर लिखना।